अभी 15 अक्टूबर से एनसीआर में ग्रेप लागू हो चुका है, ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। उसके उससे क्या होता है सर, कोई भी हम वो नहीं करना चाहते, इंडस्ट्री जनरेटर नहीं चलाना चाहती, हमें वैसे 24 घंटे बिजली मिलती भी है, मैक्सिमम मिलती है अभी हरियाणा में। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कहीं पावर कट लगता है किसी भी कारण से, तो उस टाइम हमें जनरेटर चलाने की इजाज़त दी जाए इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री पिछले कोविड काल से बहुत कठिन समस्या से गई हुई है। हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो, प्रोडक्शन लॉस हो, या पावर की वजह से कोई दिक्कत हो। तो ये अगर आप इंडस्ट्रीज के ऊपर, पूरे हरियाणा की एनसीआर की इंडस्ट्री में ये फायदा इसका मिलेगा, इसके लिए मेरा सुझाव। देखिए, एनसीआर में काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रदूषण को लेकर के लगाई जा रही हैं। तो प्रदूषण में ये जो ईंधन है, डीजल है, कोयला है, इसको जलाना अपना एनजीटी ने मना किया है। अब उसके कारण से कुछ कठिनाइयां आई हैं, हम बात कर रहे हैं। अपना जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, अपने ही मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी हैं, मेरी 2 बार मीटिंग उनसे हुई है। तो यही है कि जो जो कठिनाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैसे उसको सामान्य स्थिति तक लाया जा सकता है। अब उन्होंने तो ये भी कहा कि इंडस्ट्री में ये अपना गैस पीएनजी सीएनजी इसको लगाएं। अब पीएनजी सीएनजी की लाइनें अभी हैं नहीं है तो कैसे बनेगा, एक दिन तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा 6 महीने साल जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तब तक इसको हम ढीला करेंगे। पावर कट के कारण से आपको जनरेटर चलाने पड़ते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट में कोशिश करेंगे कि पावर कट बिल्कुल नहीं हो, हर जगह की 2-वे सप्लाई इंडस्ट्री को खास करके इसकी सुनिश्चितता करेंगे। मानो किसी कारण से एक लाइन फॉल्ट हुआ भी है तो दूसरी लाइन से उसको मिल जाए। हाँ, लोकल फॉल्ट इंडस्ट्री के अंदर है वो तो फिर कुछ भी नहीं चल सकता, ना लाइट चलेगी ना जनरेटर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। लेकिन लाइन सप्लाई जो है वो 2-वे सप्लाई सब जगह मिले, खास करके बड़ी इंडस्ट्री है या जहाँ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री है, ताकि इसका नुकसान ना हो। फिर भी इस विषय को आगे रखेंगे कि जहाँ 2-वे सप्लाई नहीं हो सकती है वहाँ जब तक नहीं होती है तब तक जनसेट का कोई उपयोग करने की एक लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी है, सप्लाई मिलनी चाहिए। तो इसकी कोई ना कोई चिंता हम करेंगे।